नमस्कार दोस्तों, पौनवा एकेडम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर, और वेक्टर में हम अगला पार्ट कर रहे हैं अपना बेसिक का। दोस्तों, कल हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में भी हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे जो बेसिक है, और एक बार ये सारा समझ में आ गया कि आप आराम से पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर पाओगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पवन वाघ एकेडमी के साथ साथ मैं अनएकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ, और अनएकेडमी पर आप मेरे जो कोर्सेज हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन एनटीएससी कैटेगरी में, ठीक है। और वहां पर मतलब जो बच्चे 9th और 10th में होते हुए भी आईआईटी जेई की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारे फाउंडेशन के कोर्सेज चलते हैं जिन्हें मैं ही लेता हूँ, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करके अच्छी रैंकिंग ला सकते हैं आगे के एग्जाम्स में। दोस्तों, आप पवन वाघ रेफरल कोड यूज करते हैं तो वहां आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। जी हाँ दोस्तों, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर मतलब कि अलजेब्रा क्या चीज होती है यार, हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये अलजेब्रा में होता है सारा का सारा, ठीक है ना। अलजेब्रिक इक्वेशंस हमने की है, तो अब अलजेब्रा ऑफ वेक्टर में अब पहला पार्ट हम करने वाले हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, लेट से कि मेरे पास में एक वेक्टर है, मेरे पास एक वेक्टर है दैट इज पी क्यू, ठीक है, जिसका वैल्यू मेरे पास ए है। अगर मैं इसको टू वेक्टर ए लिखता हूं तो इसका जितना लेंथ होगा बिल्कुल एग्जैक्टली उससे डबल लेंथ इसका होगा, मतलब मैग्नीट्यूड डबल होगा। मतलब अगर मैं इस वेक्टर में टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऐसा होगा, लेकिन अगर मैं इस वेक्टर में माइनस टू से मल्टीप्लाई करूं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेंथ उसकी उतनी ही रहेगी, ठीक है, और मैं इसको लिख पाऊंगा माइनस टू ए, ठीक है। तो यहां पर यह चीज समझने वाली है, टू ए हैज सेम डायरेक्शन एज वेक्टर ए बट ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए। मतलब मैंने ये यही बात आपको बताई कि अगर आप टू ए की बात करते हैं तो टू ए जो है वो ए के ही देखो उसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा, ठीक ना, ये सेम डायरेक्शन होगा, लेकिन इसका लेंथ जितना है उससे डबल इसका लेंथ होगा, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। चलिए हम देखते हैं इसको एनिमेशन के द्वारा, जिसके अंदर आपको निगेटिव पार्ट कैसे बनाते हैं वो बताया गया। तो चलिए पहुंचते हैं स्क्रीन पर। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक वेक्टर है, इसके एक दो और तीन पार्ट करके अगर इसको कनेक्ट कर लिया जाए, और ये वेक्टर वी है। अब अगर आप देखें इसका कि इसका मैं डायरेक्शन जो है मैं चेंज कर देता हूं और इस डायरेक्शन को इधर लगा दूं तो ये माइनस थ्री वी हो जाएगा। मतलब यहां पर जो वेक्टर होगा वो माइनस थ्री वी वेक्टर होगा, क्योंकि डायरेक्शन जो है इसका बदल चुका है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो वही चीज यहां आप देख सकते हैं, वही चीज आपको बता के रखिए कि वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए के अंदर अगर के का मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये के ए हो जाएगा। मतलब जितना एक पर्टिकुलर नंबर है, मतलब आप टू ए से नहीं, आप थ्री ए से, थ्री से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फोर से भी कर सकते हैं, फाइव से भी कर सकते हैं, उस कंडीशन में डायरेक्शन जो होगा वो सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन सेम होगा लेकिन मैग्नीट्यूड उसका बदल जाएगा, दो होगा तो ट्वाइस होगा, तीन होगा तो थ्राइस हो जाएगा, है ना। यहां पर देख रखा, लेट ए बी एनी वेक्टर एंड के बी द एनी स्केलर, के ए एक वेक्टर है, के एक स्केलर है, देन के ए द स्केलर मल्टीपल इज डिफाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज के, ओके, एंड वेक्टर ए एंड सेम डायरेक्शन इफ के इज ग्रेटर देन जीरो। एक बात ध्यान रखना, यहाँ के जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो है के जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर आपने के लेस देन जीरो ले लिया तो यहां पर जो है वो डायरेक्शन बदल जाएगा। जैसे अभी हमने एनिमेशन में देखा कि वहां पर एक इस तरह से आपको वी एक वेक्टर दिया था, लेकिन एक दो और तीन करके अगर उसको जोड़ा तो और डायरेक्शन बदल दिया तो माइनस थ्री भी हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से इसका ध्यान आपको रखना है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। आगे इसमें कुछ नोट देके रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देके रखिए जो बड़ी समझने वाली है कि किस अगर कोई जो हम यहां स्केलर ले रहे हैं के अगर जीरो हो जाए तो के ए क्या हो जाएगा, के ए भी जीरो हो जाएगा और जीरो वेक्टर हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब जैसे अगर आप ए में मल्टीप्लाई टू का करते हैं तो टू ए होगा, ए में मल्टीप्लाई टू का करते हैं तो टू ए होगा, हाफ का करोगे तो हाफ हो जाएगा, 1.5 करोगे और माइनस करोगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा,
जैसे ये दे के रखा बिल्कुल वैसे ही। यहाँ देखो, यहाँ पर इस साइड एरो था, यहाँ इस साइड एरो था, यहाँ इस साइड एरो था, लेकिन निगेटिव आया तो इस साइड आ गया, निगेटिव आया तो डायरेक्शन बदल गया। तो निगेटिव आएगा तो डायरेक्शन बदलेगा, अगर आप जीरो लोगे तो वो जीरो वेक्टर हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ए एंड के ए आर कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर। अब देखो बात ध्यान रखना, कोलिनियर वेक्टर एंड पैरेलल वेक्टर मतलब अगर आपने इसको ए लिया है और इसको टू ए लिया, डायरेक्शन सेम है, तो ये इनको आप कोलिनियर वेक्टर भी बोल सकते हो क्योंकि ये सेम प्लेन में आएंगे। ठीक है, और इनको पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हो। तो ये इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या पूछा गया है उसके हिसाब से वहां आंसर आप कर सकते हैं। टू नॉन जीरो वेक्टर ए बी आर कोलिनियर और पैरेलल इफ दे आर लाइक दिस, मतलब अब दो नॉन जीरो वेक्टर है वो आपस में जो है वो पैरेलल भी हो सकते हैं, कोलिनियर भी हो सकते हैं, अगर किसी एक का वैल्यू दूसरे में अगर आपने स्केलर का मल्टीप्लाई करके रखा है तो वहां पर आप उनको इक्वल लिख सकते हैं। लेकिन एम यहां पर क्या होगा, एम शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको पेज नंबर 135 पर दे के रखिए। इसमें आगे की प्रॉपर्टी पे हम आते हैं अगले पॉइंट पर, पॉइंट फोर पर। ये क्या बता के रखा है कि इफ ए कैप, इसको क्या पढ़ते हैं, ए कैप पढ़ते हैं, और ए कैप क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है। इफ ए कैप विल बी द यूनिट वेक्टर अलोंग अ नॉन जीरो, जैसे ए है, ओके वेक्टर ए है, देन यहां पर आप क्या लिखोगे, ए मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू ए कैप, या यहां पर आप ऐसे लिखोगे ए कैप क्या होता है, ए कैप क्या होता है पर्टिकुलरली उस वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से अगर आप डिवाइड कर दें तो वो ए कैप बन जाता है, वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर अगर कभी भी आपको निकालने को कहा जाए तो आपको इस तरह से वो निकालना है, मतलब मेरे पास में 2i प्लस 3j प्लस 4k अगर है और मुझे इस वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा 2i। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा 2i 3j 4k अपॉन मैं इसका मॉड्यूलस वैल्यू निकाल लूंगा, और मॉड्यूलस वैल्यू क्या होगा, मॉड्यूलस वैल्यू इसका होगा अंडर रूट में 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। ऐसे करके हम इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है, अ वेक्टर ऑफ लेंथ के इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ ए एंड के ए। ठीक है, अगर एक वेक्टर है, ए वेक्टर है और आप के ए ले रहे हैं तो उनका डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन तो सेम होगा, ये हमको स्टार्टिंग से ही बता के रखा है। ठीक है, तो उसमें ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है कि जो आपको नहीं जमेगी। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, बड़ा ही अगला कॉन्सेप्ट बड़ा ही कमाल का है, क्या यहां पर देख के रखा है, थ्योरी, जो बुक की थ्योरी होती है। हमेशा आप देखते हैं कि मैं बुक की थ्योरी को बड़े बारीकी से समझाता हूं आपको, उसका कारण ऐसा है कि बुक में आपको सब दिया है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते नहीं है। अच्छा, मैं अगर उसको सिर्फ बातों बातों में बता दूं तो मजा नहीं आएगा, इसके लिए मैं आपके लिए प्रेजेंटेशन तैयार करता हूं और आपको एक एक लाइन एक एक पॉइंट समझा देता हूं। वो इसलिए समझाता हूं कि फिर बाद में जब आप एक्सरसाइज पे जाते हो तो आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। और मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि जब जब मैंने ये किया है बच्चों ने इसको एंजॉय किया है। क्या देके रखा है, थोड़ा ध्यान से देखना। नाउ कंसीडर अ बोट इन अ रिवर गोइंग फ्रॉम वन बैंक ऑफ द रिवर टू द अदर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर। ध्यान से देखो जरा, अब यहां बात क्या हो रही है, यहां ऐसी बात हो रही है कि एक बोट है। ठीक है, अभी क्या बात हो रही है, एक बोट की बात हो रही है कि ये एक बोट है भैया। ठीक है, ये बोट जो है यहां पर, ये रिवर है। ठीक है, इस रिवर में जो पानी का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब ये डायरेक्शन इधर है पानी के फ्लो का। लेकिन वो क्या कर रही है, ये बोट क्या कर रही है, ये बोट यहां से यहां जा रही है, ये साइड जा रही है, एक्सक्यूज मी, ये साइड जा रही है। और पानी का फ्लो कहां है, पानी का फ्लो जा रहा है इस साइड में। थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्या बोलता है कि नाउ कंसिडर अ बोट इन द रिवर गोइंग फ्रॉम वन बैंक, ये वन बैंक है ना, ये एक किनारे से दूसरे किनारे पे जा रही है, वन बैंक ऑफ द रिवर टू द अदर बैंक इन द इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर। देखो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है और फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। अब देखो जरा ध्यान से, देन इट इज एक्टेड अपॉन द टू वेलोसिटी वैक्टर्स, ये दो वेलोसिटी वैक्टर के ऊपर एक्ट करता है। वन इज द वेलोसिटी इम्पार्टेड बाय द बोट बाय इट्स इंजन एंड अदर वन इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर ऑफ द वॉटर। मतलब एक तो आपका ये है कि ये बोट का जो इंजन काम करेगा जो आपको इधर लेके जा रहा है, एक ये है कि पानी का फ्लो है जो नीचे लेके जा रहा है। ठीक है, अ
Under the simultaneous influence of these two velocities, the boat starts traveling with a different velocity. अब ये फ्लो हो रहा है, ओके, ये इंजन इसको कुछ ताकत दे रहा है, लेकिन फिर भी ये अलग हिस्से चाहेगा. टू हैव प्रीशियस वेलोसिटी, दैट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट, वी यूज द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर. अब बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है भैया, हमने क्या सीखे है, हम क्या सीख रहे हैं, हम अलजेब्रा ऑफ वेक्टर सीख रहे हैं, ओके. और अलजेब्रा ऑफ वेक्टर में हमने सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशन सीख लिया, ठीक है ना, हमने स्केलर मल्टीप्लीकेशन सीख लिया. अब हमको क्या सीखना है, अब हमको लॉ ऑफ एडिशन सीखना है ऑफ वेक्टर. हमको क्या सीखना है, हमको सीखना है लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ये कैसे करते हैं और ये क्या होता है, इसको अब हम समझते हैं. अगली स्लाइड पे जाते हैं. क्या होता है लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, इफ ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स, देन देयर एडिशन और रिजल्टेंट इज डिनोटेड बाय ए प्लस बी. अब दो वेक्टर हमको प्लस करना, तो ए प्लस बी कर दो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर ही खत्म हो गया, या ए बार प्लस बी बार इसको पढ़ो, ठीक है. देर आर टू लॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स के एडिशन के दो लॉ है. अब दोनों लॉ हम देख लेते हैं, दोनों लॉ हम समझ लेते हैं, और ये लॉ क्या होते हैं, कैसे इनको करना है, कैसे इनको ध्यान रखना है, बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा, है बड़े सिंपल, ठीक है. चलिए, तो सबसे पहले पहले लॉ पर पहुंचते हैं, जो कि पैरेलल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है. पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, देखो भाई, एक वेक्टर ये है जो यहां से इधर जा रहा है, ठीक है ना, ये इधर से इधर जा रहा है, डायरेक्शन भी देके रखा ही है. एक वेक्टर जो है ये इधर से इधर जा रहा है, ठीक है. अब इसी के पैरेलल में इसको एक वेक्टर ले सकता हूं, ठीक है. और ये अगर मैं बोलूं यहां से यहां जाना है, तो आप ऐसे जा रहे, आप ऐसे जा रहे, आप यहां से जब यहां जाओगे तो कितना जाओगे, ए प्लस बी, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी होगा. लेट ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स, ए और बी क्या है, ये दो वेक्टर्स, सबसे पहले ध्यान रखना, ए और बी क्या है, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, कंसीडर ए बी एंड ए डी. हमको किसकी बात करना है, हमको किसको कंसीडर करना है, एक मिनट रुक जाओ, जरा मैं इसको हटा दूं और थोड़ा समझाऊं इसी के पॉइंट के हिसाब से. ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कंसीडर ए डी, तो ए डी कौन सा भैया, ये है, ठीक है. कंसीडर ए डी अलोंग, कंसीडर ए बी एंड ए डी, मतलब पहला एक तो आपको ये ले लेना है, ठीक है, और दूसरा आपको ये लेना है, इन दो को कंसीडर करना है, ठीक है. ये क्या वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर बी है, इसका डायरेक्शन क्या है, इधर है, इसका डायरेक्शन ऊपर है, ओके. तो ये बोलता है कंसीडर ए बी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर अलोंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, सच दैट ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी वेक्टर ए है और ए डी क्या है, वेक्टर बी है. देन ए प्लस बी, देन ए प्लस बी लाइज अलोंग द डायगनल ऑफ द पैरेललोग्राम विथ ए एंड बी एज साइड्स. इस बात का आपको ध्यान रखना, मतलब क्या होगा कि अगर देखिए जरा समझते हैं इसको अच्छे से, अगर आपके पास में एक इस तरह से देके रखा है कि ये P है और ये Q है, और आपको एक यहाँ पर पैरेललोग्राम देके रखा है इस तरह का, दूसरा वाला, मैं दूसरे वाले लॉ से बता रहा हूँ, ठीक है. और अब आपको जो देके रखा है, जरा ध्यान से देखो जरा, अब आपको जो देके रखा है कि ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये वेक्टर क्या कहते हैं इसको, हम कुछ और ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं P वेक्टर, और ये जो है ये R वेक्टर है, तो यहां से इसका डायरेक्शन ये है. अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है. अब इसका डायरेक्शन अगर इधर है तो डेफिनेटली इसका डायरेक्शन भी इधर होगा, और इसका डायरेक्शन ऊपर है तो इसका डायरेक्शन भी ऊपर होगा. तो जब ये डायगनली आप ले लोगे इसको, तो ये P है और ये R है, तो ये जो बनेगा ये P प्लस R बनेगा, ठीक है. इस बात का आपको ध्यान रखना है, मतलब जब भी आप कोई डायग्राम बनाओगे, पैरेललोग्राम वाला लॉ लगाओगे, तो वहां पर उसका जो डायगनल आप निकालोगे, वो डायगनल जो होगा वो उसकी दो ये जो साइड्स होगी उनके सम के, उनके वेक्टर के सम के इक्वल होगा, ठीक है. चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे इसमें आते हैं. आगे इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स देख के रखा है. अब ये क्या होता है ट्रायंगल लॉ, इसमें क्या फर्क है यार, कुछ नहीं, यहाँ ट्रायंगल बनेगा, वहां पैरेललोग्राम बनना था, फिगर है, यहां पर हम सिर्फ इतने की बात करेंगे, हम सिर्फ इस फिगर की यहां बात करेंगे, ये तो आपको समझाने के लिए देख रखा है, ठीक है. क्या बोलता है ये, बड़ा ध्यान से देख लीजिए कि लेट ए एंड बी बी एनी टू वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर है ए और बी, देन कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी एज शोन इन द फिगर.
ए और बी, मतलब एक वेक्टर ऐसा है कि आप ए से बी जा रहे हैं, ओके ये डायरेक्शन है, और एक वेक्टर ऐसा है जो बी से सी जा रहा है, ठीक है, बी से सी जा रहा है और उसका डायरेक्शन ये है, तो हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे पहले तो, ठीक है। तो क्या बोलता है, लेट ए बी बी एनी टू वेक्टर, ए और बी क्या है, दो वेक्टर है, तो वेक्टर ए ले लो वेक्टर बी ले लो, आर टू वेक्टर, देन कंसिडर अ ट्रायंगल ए बी सी इज शोन इन द फिगर, ये हमने ए बी सी बना लिया, सच दैट ए बी कितना है, ए बी जो है वो ए वेक्टर के इक्वल है, बी सी जो है वो बी के इक्वल है, तो देन ए प्लस बी जब हम करेंगे तो वो क्या होगा, इज गिवन बाय द वेक्टर ए सी अलॉन्ग द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो दो साइड का ये जो है ये क्या होगा, ये इसके इक्वल होगा। आप जब इसको लिखोगे तो आप इसको यहां पर आपको इसी तरह से लिखना है कि ए सी साइड को जब बताओगे तो वो ए प्लस बी के इक्वल आएगी, ठीक है, ये इसका मेन रूल है, ठीक है। फिर इन दोनों में क्या फर्क है, यार वहां पर क्या था, वहां पैरेललोग्राम बता के रखा था आपको, दिस इज नोन एज द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स, ओके ए एंड बी, द ट्राइंगल लॉ कैन बी अप्लाइड टू ट्राइंगल ए डी बी, इस ट्राइंगल देखो आप ए डी बी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, ए डी बी के ऊपर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये बी है, देखो ये बी है, ये वाला बी हो गया, ये वाला ए हो गया, तो इसको मैं प्लस करूंगा तो बी प्लस ए होगा, तो यहां जो हमको दे के रखा है कि आप ए प्लस बी वेक्टर करो या बी प्लस ए वेक्टर करो, बोथ द आंसर्स आर सेम, दैट इज इक्वल टू वेक्टर सी, और यहीं पर आपको ये देके रखा है, द ट्राइंगल लॉ कैन बी अप्लाइड टू द ट्राइंगल ए बी सी, और ये आपको बिल्कुल उसी तरह से देके रखा है जो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में आपको बताया, मतलब कि अगर आप यहां से यहां जाते हैं, ठीक है, उसको मैं थोड़ा अलग कलर में लेता हूँ, यहां से आप यहां जाते हैं, आप डी पर जा रहे हैं और डी से लेकर के सी पर जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये जो बना के रखा है मैंने, ये वेक्टर बी ही होगा, क्योंकि ये कोलिनियर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और सेम इसमें आ रहा है, और ये जो है ये वेक्टर ए है, तो ये भी ए होगा, जब मैं ऐड करूंगा तो ये बी प्लस ए हो जाएगा, ये बी प्लस ए हो जाएगा, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे, सेम होंगे, और हम उसको वेक्टर सी के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये है, यहां पर ये दोनों लॉ हो गए आपके, कौन से ट्राइंगल लॉ और हमारा पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो वो एक जैसे ही है, कोई इसमें ये नहीं, आपको चिंता वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों यहां पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा मैं कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ जो है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखा जाए तो कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है ना। मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है इस तरह से, और दूसरा वेक्टर चल रहा है यहीं से इसी पॉइंट से वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो जो रिजल्टिंग आप जो बनाओगे ना, ये रिजल्टिंग यहां से यहां चलेगा, तो यही आपका ट्राइंगल लॉ बनाएगा। एक बार ध्यान रखना, ये ऑर्डर इसका, ये जो पहले वाले का ऑर्डर यहां है और दूसरे वाले का ऑर्डर इस साइड दे के रखा है, बट ये तीसरा वाला जो ये एरो हमेशा ऐसा आएगा, यहां से यहां आएगा, और ये ऐसा नहीं होगा, मतलब आप इसको ऐसा नहीं ले सकते, ठीक है ना, आप लेंगे तो इस साइड ही लेंगे, मतलब ये रिजल्टिंग यहां पर जा रहा है तो यहां से यहां पहुंच रहा है, तो ये हम वेक्टर ए ले लेते हैं, वेक्टर बी ले लेते हैं, और ये हो जाता है ए प्लस बी, तो ये हमारा ट्राइंगल लॉ है। लेकिन फिर अब अगर बात करते हैं हम इसकी पैरेललोग्राम लॉ की, तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि अगर एक वेक्टर इस तरह से जा रहा है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, यहां से जहां पर इसका डायरेक्शन, यहां से एक अगला ऑर्डर इस साइड आ गया, और आप जब इसको ये रिजल्टिंग यहां लोगे, तो अगर हम बात करते हैं पैरेलल की, तो ये इसके पैरेलल ये वाला है और ये इसके पैरेलल ये वाला है, तो यहां पर ये लगता है पैरेललोग्राम वाला। थोड़ा सा आपको समझना है, देखा जाए तो दोनों जो है, दोनों के दोनों में कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम सेम ही है, पर एक जगह हम ट्राइंगल में उसको यूज कर रहे हैं और एक जगह हम उसको पैरेललोग्राम में यूज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ आवाजें हो रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट, उसको मैं रोक नहीं सकता, ठीक है ना, किसी के घर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, आगे आते हैं इसमें, अगला जो पॉइंट देके रखा है बड़ा ही कमाल का है, सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन देके रखा है। एक्चुअली दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखो। अब अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाता हूँ कि भैया मैं यहां से यहां जा रहा हूँ, मेरे पास ये ए है, ये बी है, और ये वैक्टर ए है, ठीक है, ये वैक्टर ए है मेरे पास। अब मैंने क्या किया, मैं बी से सी पर भी जा रहा हूँ, यहां पर डायरेक्शन क्या है, यहां पर जो मेरा डायरेक्शन है वो डायरेक्शन यहां से यहां है, और मैं बी से जा रहा हूँ सी पर, मेरा यहां पर वेक्टर क्या है, ये बी है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ एसी की, तो नियम के हिसाब से हमारा एसी क्या होगा, नियम के हिसाब से हमारा एसी होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मैं अगर इस वेक्टर को नीचे ले जाऊँ, इधर जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही रखो, और मैं इसको लेट से सी डैश कर दूँ, हालांकि इसने डी लिखा है,
तो इस कंडीशन में मेरे पास ये जो वेक्टर बनेगा, ये वाला जो वेक्टर बनेगा ये माइनस बी बनेगा, और ये जो माइनस बी बन रहा है मेरे भाई, ये वेक्टर जो निगेटिव बन रहा है, अब मैं अगर इसको यहां से यहां लूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, इट मीन्स ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है, ये देखे रखा है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द टू वेक्टर्स, देन ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ये ए माइनस बी जो होगा इसके यहां पर जो है ए में से बी को माइनस करना है, तो ए में बी का निगेटिव प्लस कर दो, ये बात समझ लो, ए में बी का निगेटिव प्लस कर दो। ओके बस इस बात को ध्यान रख के अपना आप आराम से इसको समझ सकते हैं। यहाँ ए डी बता के रखा, देखो बी डी क्या है, यहाँ बी डी क्या है, बी डी देके रखा है मैंने यहाँ पर, बी सी डी ले, चलो मैं इसको बी डी ही ले लेता हूँ। बी डी क्या होगा, बी वेक्टर का ये निगेटिव वेक्टर है, देखो यहाँ निगेटिव साइन लगा के रखिए। ओके तो बी डी जो है माइनस बी सी के इक्वल है, बी डी किसके इक्वल है, वो बी सी के इक्वल है लेकिन निगेटिव ऑफ बी सी के इक्वल है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और ये माइनस बी के इक्वल आ गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लॉ लगा देंगे, जो ट्राइंगल लॉ लगाने के बाद में क्या होगा, दोनों प्लस होंगे, लेकिन यहाँ क्या करा हमने, किस में लगाया ट्राइंगल लॉ, हमने ट्राइंगल लॉ यहाँ लगाया है इसमें, इस वाले पार्ट में। तो अगर हमने इस वाले पार्ट में ट्राइंगल लॉ लगाया तो ये हमारा वैक्टर ए का काम कर रहा है, ये हमारा वैक्टर जो है माइनस बी का काम कर रहा है, तो डेफिनेटली ये हमारा वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी होगा। ऐसे ही इसको करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, पढ़ाई अच्छे से करते जाना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और इसके अंदर हमारी कुछ प्रॉपर्टीज देके रखी है, इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है ये प्रॉपर्टीज। तो इफ वेलोसिटी या वेक्टर बोली, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली, देन वी यूज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अगर दोनों वेक्टर एक साथ काम कर रहे हैं, ओके दे आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, दे आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली, तो ऐसी जगह पर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को यूज करेंगे। एंड इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एक्टिंग वन आफ्टर अनादर देन वी विल यूज वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन एक के बाद हो, और जब वो साइमल्टेनियसली काम करें, मतलब ये इधर भी चल रहा है, 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 तो इस केस में ये इस तरह से रिजल्टिंग लेके हम यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लेंगे, इन बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, सारी प्रॉपर्टीज को हम इसीलिए एक एक चीज को मैं समझा इसी तरह हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर टू इट्स अपोजिट वेक्टर गिव्स जीरो वेक्टर, मतलब क्या होता है कि यार अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, मतलब ये तो मैं बड़े इसको आसानी से आपको सिंपल भाषा में, आपकी भाषा में बताओ कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, अगर मैं इतना ही एक अगला वाला ले लेता हूँ इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली ये माइनस होगा। अभी क्या बोलता है, एडिंग वेक्टर्स टू इट्स अपोजिट, अभी यार मैं अगर इन दोनों को प्लस कर देता हूं तो क्या होगा, मैं इनको प्लस करूंगा तो क्या होगा यार, जीरो आएगा ना, जीरो वेक्टर आ जाएगा, कट गया ये, तो जीरो आएगा, जीरो वेक्टर। तो यही चीज यहां पर हमको बता के रखिए कि किसी वेक्टर में उसके अपोजिट को ऐड कर दिया तो जीरो वेक्टर मिलता है, ठीक है। हम जानते हैं कि प्लस तीन को माइनस तीन में ऐड कर दिया तो जीरो ही मिलेगा, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं, अगला पॉइंट क्या देके रखा है कि इन ट्राइंगल ए बी और ए सी, ए बी ए सी जो है वो ए सी और सी ए के मतलब एक दूसरे के माइनस होते हैं। थोड़ा समझो इस चीज को, देखो क्या होता है कि मैंने ट्राइंगल लिया यहां से यहां ए बी, फिर मैंने अगला ट्राइंगल का अगला साइड लिया बी सी ऐसा, और मैंने यहां से लिया ए सी। मैं जानता हूं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर हमारा सी है, ठीक है। लेकिन अब ये जो ए सी है, अगर ये ए सी जो है ये वेक्टर सी है, तो माइनस सी ए क्या होगा, माइनस सी ए होगा माइनस सी वेक्टर। अच्छा अब इसके अंदर एक और चीज समझो, अगर मैं इन तीनों को प्लस करता हूं, अगर मैं इन तीनों को प्लस करता हूं, किनको, इन तीनों को, कैसे मैं करता हूं, यहां ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए करता हूं, जैसे इसने यहां देके रखा है, तो क्या होता है ना, ए बी बी सी और सी ए करते हैं। ए बी कितना है, ए बी वेक्टर ए है, बी सी कितना है, वेक्टर बी है। अब यहां पर सी ए दिया है, यहां क्या दिया है, सी ए दिया है, ए सी दिया है क्या, नहीं, सी ए मतलब अब डायरेक्शन बदल गया यार, यहां से यहां आ गया, तो सी ए दिया है मतलब क्या हो गया, ये हमारा माइनस का सी आ गया, ये सी वेक्टर हो गया। अच्छा हमारा रूल क्या कहता है कि अगर यहां डायरेक्शन बदल जाता है, हमारा रूल क्या कहता है कि सी जो है वो ए प्लस बी के इक्वल होता है, तो मैं यहां पर ए प्लस बी अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या होगा, माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, कट जाएगा, और इस केस में भी आंसर हमारा जीरो आ जाएगा। यहाँ ए ए डैश बोला क्योंकि ये यहीं से यहीं पर आ गया,
ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत जगह पर लगता है, ये बहुत जगह पर लगता है। मतलब कुछ जगह पर आपको इस तरह का डायग्राम मिलेगा, ऐसे क्वेश्चंस आपने 11th में भी किए थे कि यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ लेके गए, फिर यहाँ लेके गए, तो वो आप उसको वहाँ पर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाते चले जाएंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। तो है बड़ा सिंपल सा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें देख रखा था, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर कैन बी एक्सटेंडेड टू अ पॉलीगॉन। मैंने अभी पॉलीगॉन का डायग्राम बताया ना आपको, तो बिल्कुल वही पॉलीगॉन के डायग्राम में इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब अगर देखो अब ध्यान से, अगर ऐसा हो जाए यार, कि अगर ऐसा हो जाए कि एक डायग्राम ऐसा है, ठीक है ना, एक डायग्राम ऐसा है, और ये वेक्टर ए है यहाँ से यहाँ, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है यहाँ से यहाँ, ये वेक्टर डी है, और अगर मुझे यहाँ से यहाँ निकालना है यार, तो देखो पहले मैं इनको निकालूंगा तो ये हमारा यहाँ से यहाँ आएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, फिर मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा तो ये होगा ए प्लस बी प्लस का सी, और फिर मैं जब यहाँ से यहाँ होगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको ऐड करते चले जाओ, आपको क्लियर होते चले जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देख रखा है, ये वही चीज़ देख रखी, देखो देखो ध्यान से, यहाँ ये वेक्टर ए देख रखा है, फिर ये यहाँ से बी आया तो ये ए बी हो गया, फिर सी को मिला दिया तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया, फिर डी को मिला दिया तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया। ये वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है इन्होंने डायरेक्ट, मैंने आपको डायरेक्ट ए बी सी डी से बताया है, और यहाँ पर इतने फिर ए बी बी सी, यहाँ पी क्यू, फिर क्यू आर, फिर पी आर, ऐसा करके किया है, ठीक है। तो आप ऐसे कीजिए, दोनों को दोनों एक ही, कुछ चिंता वाली बात नहीं है। देखो चैप्टर बहुत सिंपल है, ये सिर्फ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ देखे रखा है पी टी जो है, पी टी रिजल्टिंग बनेगा, और ये ए बी सी डी सबके प्लस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसके अंदर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सटेंडेड लॉ ऑफ द एडिशन ऑफ द वैक्टर और द पॉलीगोनल, पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ द वेक्टर, इसको पॉलीगोनल लॉ बोलते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लो ध्यान से। जैसे हमने सीखा है नंबर्स में कि दो और तीन जो होता है और तीन और दो के इक्वल होता है, वैसे ही वेक्टर ए का प्लस और वेक्टर बी का प्लस करो, या बी और ए का प्लस करो, मतलब कम्यूटेटिविटी हमने जो सीखी थी, कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर भी है ना। यहाँ एसोसिएटिव लॉ भी है कि पहले दो वेक्टर को प्लस करो फिर तीसरे को प्लस करो, या पहले को रहने दो बाद वाले दोनों को प्लस करो, तो इट गिव्स द सेम रिजल्ट। फिर वही बात एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि जीरो को प्लस कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर प्लस करोगे तो वेक्टर वही रहेगा। और ये एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है कि किसी भी वेक्टर में उसका निगेटिव वेक्टर प्लस करोगे तो यू विल गेट अ जीरो वेक्टर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब ये हमने नंबर्स में भी पढ़ी है ना, हमने मतलब जितनी चीज़ें की है, इवन ये प्रॉपर्टीज हमने अपने लॉजिकल रीजनिंग में भी की थी, तो ये सब चीज़ें साथ में रहने वाली है ना। बस सिर्फ ये है कि हर जगह पर उनका क्या कहे कि प्रेजेंटेशन बदल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि होता यही है, यहाँ पर आप वेक्टर की बात कर रहे हैं, वहां पर आप जो है लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, नंबर्स में आप नंबर्स की बात करते हैं, इंटीजर्स में आप इंटीजर्स की बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, यहाँ क्या देके रखा है, यहाँ बता के रखा है इफ ए एंड बी आर वेक्टर्स एंड एम एन एन आर स्केलर्स। अब देखो बड़े समझने वाली बात है कि एम एन स्केलर है, तो अगर मैं दो स्केलर का प्लस एक वेक्टर में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ए का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें दोनों जगह हो जाएगा, तो एम ए प्लस एन ए ऐसा ही हो जाएगा, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया। और अगर स्केलर का मल्टीप्लाई आप दो वेक्टर के सम में कर रहे हो तो यहाँ पर एम ए प्लस एम बी इस तरह से हो जाएगा, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव है और यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा है, दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा हुआ है, ठीक है। साथ ही में मल्टीप्लीकेशन में भी लगता है कि एम है इंटू एन वेक्टर ए और एम एन वेक्टर ए और एन एम ए वेक्टर है, मतलब देखो एम एन जो है यार सीधी बात है, 2 × 3 × वेक्टर a करो या 3 × 2 × वेक्टर a करो या 2 × 3 × a करो, आपको जैसे करना है वैसे करो यार, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। ये एम एन की जगह आपको दो तीन रख दो तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो है बड़ा सिंपल, ये सारी प्रॉपर्टीज ध्यान रखिए, ये सब प्रॉपर्टीज हम आगे यूज करेंगे। अब अगला वाला बात करते हैं, मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन द मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ बी। ये ट्राइंगल इन इक्वलिटी का ये रूल है, और यहां पर ये हमको क्या बताता है, हम जानते हैं कि ट्राइंगल में क्या होता है कि दो साइड का सम जो होता है, ए बी प्लस बी सी जो होता है, वो आप यहां देख सकते हैं दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा आता है हमेशा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द
थर्ड साइड, लेकिन यहाँ इसको ऐसा लिखा, बोलो सर ये तो ऐसा लिखा, अरे यार एक ही तो बात है कि इन दोनों का सम इससे बड़ा है, ये पेड़ जिसका फुला होता है वो बड़ा होता है, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो कि ए सी छोटा होगा ए बी प्लस बी सी से, ठीक है। ये तो हमारा ऐसे भी हमारा रूल है ट्राइंगल का, ये हम जानते ही है, और वो रूल यहाँ पर भी लगता है ना, यहाँ पर इन दोनों का प्लस जब करोगे आप तो वो इससे छोटा होगा, मतलब हम ट्राइंगल लॉ में जो लगाते हैं सी जो बनाओगे तो टोटल जो होगा उसका मॉड्यूलस वैल्यू जो होगा वो लेस देन होगा इनके सेपरेट सेपरेट मॉड्यूलस वैल्यू के, ठीक है। चलो, या मैग्नीट्यूड के, सेपरेट सेपरेट मैग्नीट्यूड के बोलो तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ अगला रूल देके रखा है, एनी टू वेक्टर ए एंड बी आर डिटरमाइन इन अ प्लेन देन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी लाई इन द सेम प्लेन। बात ध्यान रखना, ए प्लस बी क्या होगा कि वेक्टर ए है, ये बी इधर है, ये वेक्टर बी है, तो ये ए प्लस बी होगा, है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन अगर नीचे आ जाए तो ये माइनस बी होगा, और ये क्या होगा, ये ए माइनस बी वेक्टर होगा, और ये दोनों के दोनों, मतलब ये वाला भी और ये वाला भी, दे विल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में, है ना, ठीक है। तो ये समझने वाली बातें हैं, इनको बहुत ज्यादा मतलब ऐसा टेंशन मत लीजिए कि क्या नया आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, आगे एक एक्टिविटी हमको देके रखी है, इस एक्टिविटी को हम करते हैं। यहाँ बड़े ध्यान से आपको देखना है, बड़े ध्यान से करना है। क्यू आर क्या देख रखा है, इन द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पर फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर आपको निकालना है, मतलब आपको यहाँ पर इसको जो भी देके रखा है उसको प्लस करना है माइनस करना है, जो भी देके रखा है उसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर जनरली हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हम लगाएंगे, पैरेललोग्राम का हमारा लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यू आर की, तो क्यू आर भैया ये है, ठीक है, और आर एस की, तो आर एस ये है, तो डेफिनेटली देखो क्यू आर से आर एस जा रहा है तो ये बनेगा क्यू एस, तो ये तो हमारा क्यू एस हो गया, ठीक है। फिर अगला वाला क्या है, अगला वाला जो है उसको देख लो, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ इन एरोज को, क्योंकि आपको ऐड करना है इसको। पी क्यू, पी क्यू की बात ये है, और क्यू आर, तो क्यू आर ये है, तो ये क्या बनेगा, ये पी आर बनेगा, रिजल्टिंग क्या बनेगा, ये पी आर वेक्टर बनेगा, सीधा सीधा ना, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो रिजल्टिंग बन गया पी आर। इसमें क्या हो रहा था, ये क्यू आर जा रहा था, आर आर एस जा रहा था, यहाँ से ये जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन यहाँ लग रहा है। अब ये तीनों की बात हो रही है, पी एस और ऐसा, ठीक है, अब इनको हम देखते हैं। सबसे पहले पी एस कहाँ है, सबसे पहले पी एस, तो पी एस ये है, फिर एस आर, तो ये है, तो पी एस और एस आर हो जाएगा हमारा आर पी, और आर पी और ये आर क्यू दे के रखा है इस तरह से, तो हमारा रिजल्टिंग क्या बनेगा, पी क्यू बनेगा। देखो ये पी एस और एस आर, तो पी एस और एस आर हमारा पी आर बन गया, ये पी आर बन गया, ठीक है। और यहाँ पर आगे रिजल्टिंग क्या दे के रखा है, आर क्यू दे के रखा है, आर क्यू दे के रखा, तो मैंने पहले इन दोनों को प्लस किया और यहाँ पर आर क्यू दे के रखा है। अब मैं पी आर और आर क्यू को प्लस करूँ तो क्या बनेगा, पी क्यू बनेगा, तो यहाँ पी क्यू लिख दो, खत्म होगी बात। इस तरह से करना बेटा, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अगले वाले को करते हैं, पी आर और आर क्यू को प्लस करते हैं, पी आर और आर क्यू को प्लस करते हैं, तो अभी हमने क्या देखा कि पी क्यू आता है, तो मैं इसको पी क्यू लिख देता हूँ, इस वाले की बात कर रहा हूँ। और पी क्यू में अगर मैं क्यू एस प्लस कर दूँ तो बनेगा क्या, पी एस बनेगा ना, तो पी क्यू में अगर मैं क्यू एस प्लस करता हूँ, क्योंकि यहाँ क्यू एस भी लिखा था, मैंने क्यू एस पर ऐड नहीं किया था, मैं इसको क्यू एस यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, तो पी क्यू में जब क्यू एस आप ऐड करेंगे तो ये पी एस आएगा, ठीक है, यहाँ पर पी एस लिख लीजिए। अब आगे करते हैं, मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ, और अगले वाले में देखिए, अब क्यू आर दे के रखा है, अब क्यू आर दे के रखा है, तो क्यू आर क्या है, क्यू आर ये है, ठीक है। तो सबसे पहले क्यू आर को क्यू आर रहने दो, और मैं यहाँ से निगेटिव कॉमन निकालता हूँ, तो एस आर प्लस पी एस आपको दिख रहा है, ठीक है। अब एस आर जो है और पी एस जो है, ये प्लस करूँ मैं तो मैं मुझे मिलेगा क्या, पी आर मिलेगा, तो क्यू आर में से मुझे पी आर माइनस करना है। क्यू आर ध्यान से देखिए जरा यहाँ पर, अरे यार एक मिनट रुकिए, यहाँ पर देखिए क्यू आर में से मुझे जो है हमारे क्यू आर क्या है, ये क्यू आर है, ठीक है, ये जो है ये क्यू आर है, और उसमें से पी आर माइनस कर रहे हैं आप, पी आर यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो रिजल्टिंग क्या आएगा यार, रिजल्टिंग देखो, अब यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। अब मैं अगर इसको इस साइड लेता हूँ क्यू पी को, है ना, देखा जाए तो हम रिजल्टिंग कैसा बनाते हैं, हम ऐसा बनाते हैं, हम ऐसा बनाते हैं कि पी क्यू, हम क्या बनाते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर जो होता है वो पी आर के इक्वल होता है, बराबर। अगर मैं पी आर को इधर लाऊं तो ये इधर चले जाएगा, तो क्यू आर में से मेरा पी आर चले गया और माइनस का पी क्यू आ गया, माइनस का पी क्यू मतलब क्या हुआ बेटा, वो क्यू पी हुआ। तो इसका जो आंसर है, मतलब किस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की बात कर रहा हूँ, देखो क्यू आर को मैंने क्यू आर लिखा था, फिर मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ये एस आर प्लस पी एस आया। अब देखो एस आर और
एस आर और पी एस को मैंने क्या लिख दिया, मैंने रिजल्टिंग ये लिख दिया भाई, एस आर ये था और पी एस ये था, तो मैंने रिजल्टिंग क्या लिख दिया, पी आर लिख दिया, मैंने पी आर लिख दिया यहां पर, ठीक है। तो ये पी आर आ गया। अब ये पी आर है और ये आर क्यू है। अगर मैं पहले यहां पर रूल लगाता हूं तो यहां रूल क्या बन रहा था, अभी हमने जो पहले रूल लगाया था कि पी क्यू और क्यू आर, हमने पी क्यू और क्यू आर क्या बनाया था, पी आर बनाया था, बराबर। तो अगर मैं इसी को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूं, इसको मैंने यहां लिख लिया, तो यहां क्या किया, पी आर को मैं इधर ले आया, क्यू आर को इधर ले, सॉरी पी क्यू को इधर से लेके चले गया, पी आर को इधर ले आया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड था जो यहां पर आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये पी क्यू जो इस साइड गया तो ये निगेटिव पी क्यू हो गया, लेकिन इस निगेटिव पी क्यू में पलटा के माइनस क्यू पी लिख सकता हूँ। तो ऐसे इनको करना है। अब ये आखिरी वाला एक है, ये आपको करना है, ठीक है। ये पांच मैंने बता दिए, अच्छे से करो। आप चाहो तो मैं फिर से इसको लिख देता हूँ, आप पूरा स्क्रीन शॉट इसका ले लेना। क्यू आर, क्यू आर कहाँ गया, क्यू आर और आर ए एस हमारा क्यू एस हो गया, यहाँ क्यू एस लिख दो। फिर पी क्यू और क्यू आर हमारा पी आर हो गया, पी आर लिख दो। फिर हमने निकाला था पी एस, पी एस एस आर और आर क्यू, तो मैंने पी क्यू निकाला था, इसको पी क्यू लिख दो, है ना, वेक्टर का इसका ये लगा दो, बार लगा दो ऊपर। फिर है पी आर और आर क्यू और क्यू एस, तो हमने इसको क्या निकाला था, इसको पी एस निकाला था, इसको पी एस लिख दो, ठीक है ना। और इसको हमने क्या निकाला, इसको हमने क्यू पी निकाला था, ठीक है, तो इसको क्यू पी लिख दो। तो ये हमारे पांच हो गए, छठवां वाला आपको करना है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए इसमें देखते हैं आगे क्या देखे रखा है। आइए दोस्तों अब थ्योरम करते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि वेक्टर में बहुत सारे थ्योरम हैं, और जो थ्योरम है, जो थ्योरी है, इतना डिटेल देके रखा है। अगर सारी चीज़ें मैं मतलब बताऊं आपको तो हमको बेसिक बेसिक में ही ज़्यादा हमारे पार्ट बनने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहीं पर थ्योरम बता रहा हूँ, बाद में भी मैं एक सीरीज लाऊंगा जिसके अंदर मैं अलग से आपको सारे थ्योरम बताऊंगा, लेकिन मैं थ्योरम आपको इस सीरीज में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपका दोनों जगह हो जाएगा। आप चाहो तो उधर बाद में भी देख सकते हो। तो यहाँ क्या देके रखे हैं थ्योरम में, तो बहुत ध्यान से करना है कि टू नॉन जीरो वैक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर। दो नॉन जीरो वैक्टर है, एक वैक्टर ए है, एक वैक्टर बी है, और दोनों के दोनों नॉन जीरो है। जब भी नॉन जीरो वैक्टर्स होते हैं ना और कोलिनियर वैक्टर्स होते हैं ना, दे आर कोलिनियर बोल के रखा है, तो आप उसको एक को दूसरे के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। एक टी को हम ले लेके, टी एक स्केलर है विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आप ए को बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये बता रहा है यहाँ पर, तो ये मैं इसको इस तरह से समझने के लिए लिखा है, हम प्रूफ करने में भी इसका यूज करेंगे। यहां देख रखा है कि टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर, है ना। स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझो, ये कोलिनियर है। कोलिनियर है मतलब या तो ये एक लाइन के ऊपर ही होंगे या फिर पैरेलल होंगे, है ना। इफ एंड ओनली इफ, ये फिर से कंडीशन एक दे दी आपको, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए स्केलर एम एंड एन, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो सच दैट एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। आप बोलोगे यार ये क्या नहीं भला लेके आया सर, ये कैसे याद होगा भाई। देखो ये बहुत सिंपल है, याद वाद नहीं करना, समझ लो। एक बार मैं बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा, एक बार बताऊंगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल कंडीशन वाइज समझ लो। यहां पर क्या है, यहां पर दो पार्ट है। जब भी आप इनके थ्योरम्स को करते हो और इफ एंड ओनली इफ लिखा होता है ना, तो उसको दो तरह से प्रूफ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक ये वाला पार्ट होता है, ओनली इफ वाले पार्ट में प्रूफ होगा, और एक इफ वाले पार्ट में प्रूफ होगा। दो पार्ट में प्रूफ होगा। अब इसके अंदर क्या, आपको पहले पार्ट में ना ये वाला पार्ट दिया, ओनली इफ वाला पार्ट दिया। ओनली इफ वाला पार्ट में क्या बोलता है कि ए एंड बी आर कोलिनियर बोल के रखे आपको। कोलिनियर है तो मैंने क्या बताया कि फिर एक एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट स्केलर टी, एक टी ऐसा होगा जो जीरो के इक्वल नहीं होगा, और आप ए को जो है वो टी बी के फॉर्म में लिख सकते हो, जिसे मैंने यहां पर लिखा है ए इज इक्वल टू टी बी। अब यार मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ऐसा कर दूं इसको, यहां पर अगर मैं ऐसा कर दूं कि ए वैक्टर माइनस टी बी वैक्टर कर दूं, तो जीरो वैक्टर के इक्वल आएगा। अच्छा ये कंडीशन हमको देके रखिए कि एम ए वैक्टर प्लस एन बी वैक्टर इज इक्वल टू जीरो वैक्टर। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं तो एम की जगह मेरे को क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है, और एन की जगह मुझे क्या मिल रहा है, एन की जगह माइनस टी मिल रहा है। तो ये दो वैल्यूज आ जाएगी। बस भैया इतना ही प्रूफ करना था इसमें, ये हो गया, इतना ही था ये। मतलब आपको पढ़ने पे लग रहा था अरे बाप रे क्या है, तो मैंने क्या बताया, कंडीशन आपको लिखते आना चाहिए। कोलिनियर लिखा ना, तो कोलिनियर में आप ऐसे लिखेंगे कि दैट इज इक्वल टू टी बी वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू टी इंटू बी वेक्टर, या ए बार इज इक्वल टू टी इंटू बी बार। अब यहां पर मैंने इस पार्ट को उठा के शिफ्ट कर दिया इधर, है ना, इक्वल के साइड लिया, तो साइन बदल गई, ये आ गया। बस यही प्रूफ करके रखा है। आप अगर देखते हैं तो इसके इफ पार्ट में, ओनली इफ पार्ट में यही देख के रखा, देखो ये था, इसके बाद में ये स्टेप इधर आ गई, ओके ये जीरो वेक्टर के इक्वल हो गया। इसको आपने इसके एम एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी के इक्वल ले लिया,
इक्वल टू जीरो कंपेयर कर लिए, m की जगह पर एक है और n की जगह पर माइनस थ्री है, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, पहला पार्ट। ठीक, इसके बाद में आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट यहां बता के रखा है। अब सेकंड पार्ट में ना उल्टा जाना होता, उल्टा उल्टा जाओगे आप। कैसे उल्टा जाओगे आपको मैं सेकंड पार्ट भी बताता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, सेकंड पार्ट में पहले आपको प्रूफ करके बता देता हूँ, मतलब आपको कोई इसमें इशू ना आए, क्योंकि वो आपके सामने लिखा होगा तो आपको समझने में बड़ी ये होगा कि अरे क्या देखे रखा है। अब यहाँ कन्वर्सली सपोज करना, मतलब आप जिसे बोलते हो ना कि हमने पाइथागोरस थ्योरम किया, पाइथागोरस थ्योरम में हमने कैसे कहा था कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, और फिर कन्वर्स में हम क्या बोलते हैं कि इफ इफ टू साइड्स ऑफ द इफ द इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड देन द एंगल अपोजिट टू द थर्ड साइड इज अ राइट एंगल, है ना, हम कन्वर्स में बोलते हैं ना, तो बिल्कुल कन्वर्स वाली बात है। अभी हम यहां पर इसको लिया, इससे आए थे हम, तो यहां पर क्या करना है आपको, अगला जो पार्ट आप करेंगे ना इफ पार्ट, इफ पार्ट में एग्जैक्टली आपको क्या करना है, इफ पार्ट में आपको जो है यहां पर मैं इसको ले लेता हूं, इफ पार्ट में आपको यहां पर करके बताता हूं, आपको क्लियर समझ में आएगा कौन सा पार्ट की बात कर रहा हूं मैं इफ पार्ट की बात कर रहा हूं, सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं। सेकंड पार्ट में आप क्या लिखेंगे, कन्वर्सली लिखेंगे, कन्वर्सली क्या लिखेंगे, कन्वर्सली आपको लिखना होगा कि एम ए वैक्टर प्लस एन बी वैक्टर इज इक्व टू जीरो वैक्टर, ये तो आपने सीख लिया भाई। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना कि यहां पर जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो अब मुझे अगर इसको सॉल्व करना है ना, तो एक काम करता हूं मैं अब इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो एम ए क्या क्या हो जाएगा, एम ए वैक्टर क्या हो जाएगा, ये माइनस के एन बी वैक्टर के इक्वल आ जाएगा। मैं एम को इसके अपॉन में दे देता हूं, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ए वैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, है ना, ये ए वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एन अपॉन एम बी वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। देखो ये उल्टी बात कर रहा हूं मैं, है ना, यहां पर मैंने इस तरह से लेकर के इसको लेकर के हमने इसको इधर शिफ्ट किया और ये इसकी कंपेयर करके लाया। अब मैंने क्या किया, ये वाले पार्ट को ही लिया है, ये वाले पार्ट को लिया है और मैं अभी इस वाले पार्ट की मदद से सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां मैं ये लेके आया हूं, तो ए किसके इक्वल आया, माइनस एन अपॉन एम के, किसके इक्वल आया, ये माइनस एन अपॉन एम के इक्वल आया। यहां पर जो है ये माइनस एन अपॉन एम को मैं क्या सपोज कर लेता हूं कि भैया ये जो माइनस एन अपॉन एम है ना, ये टी के इक्वल है, टी किसके इक्वल है, माइनस एन अपॉन एम के। और यहां पर एक बात ध्यान रखना कि जब आप इसको लिखोगे तो यहां पर आप लिख देना कि एंड एम इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा क्यों यार, ये अपॉन में, ये जीरो ले लोगे तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो ये बात बनने नहीं वाली। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, मैं अगर इसको टी सपोज कर लेता हूं, है ना, फॉर या सपोज कर लो, यहां पर यहां लिखो सपोज फॉर एनी वैल्यू ऑफ टी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बार इज इक्वल टू टी बी बार, मतलब देखो टी बी बार से आप इस पे आए थे और इससे आप इस पे चले गए, तो ये दूसरा वाला भी प्रूव हो गया। और आखिरी में आप लिख दोगे यहां पर कि ए और बी, ए एंड बी आर कोलिनियर। ध्यान से देखो जरा, अभी आपको मैं एक एक चीज समझाता हूं, मुझे देखो भाई, इसमें हमने पहली लाइन क्या लिखी थी कि कोलिनियर है, इसमें आखिरी लाइन क्या लिखी है, कोलिनियर है, इसमें मैंने इसके बाद में ये लिख लिया था, तो यहां पर मैंने ये लिख के रखा है, फिर इसके बाद में मैंने ये स्टेप लाई थी। ठीक है, बिल्कुल ये वैसा का वैसा ही है दोनों के दोनों। ठीक है, ये जो बुक में देके रखा है वो भी आप देख लो, बुक में कैसे प्रूफ करके रखा है, तो बुक में ये ऐसे प्रूफ करके रखा है, ये वाला जो पार्ट है ना, एक मिनट रुकना, ये वाला जो पार्ट है ना, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये वाला पार्ट इरेज कर लूंगा ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, मैं जो बुक का पार्ट है उसको लेके आता हूं, ये आ गया, और यहां पर ये जो है, ये जो मैंने लिख के रखा है, मैं इसको अब इरेज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये वाले पार्ट को मैं इरेज कर लेता हूं, तो जो बुक का पार्ट है वो आपके सामने होगा बिल्कुल क्लियर क्लियर, और ये वही है जो मैंने अभी आपको करके बताया। जरा ध्यान से देख लो इसको, ध्यान से देख लो, एक मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, जगह का थोड़ा सा भैया प्रॉब्लम है, देखो ये वैसे का वैसे लिखा है कि मैंने इनको इक्वल लिखा, फिर इसको इधर ले गया, फिर ये इसके अपॉन में डाल दिया, फिर मैंने यहाँ लिख दिया कि जो एम है वो जीरो के इक्वल नहीं है, इसको हमने स्केलर के इसके सपोज कर लिया, तो टी बी आ गया, तो ए इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी, और लिख दिया ए और बी आर जो है कोलिनियर, बस इस तरह से इसको करना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते आगे। चलिए आगे इसमें आते हैं, आगे अगली स्लाइड पर आपको देखने मिलेगा कोरोलरी देके रखा है इसका, कि इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर नॉट कोलिनियर देन एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो देन एम इज इक्वल टू एन और एम इज इक्वल टू जीरो और एन इज इक्वल टू एन, दिस कैन बी प्रूव बाय द कॉन्ट्रडिक्शन और अज्यूमिंग मेथड दैट एम इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो कोरोलरी को भी आप पढ़ लीजिए, ज्यादा इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं। यहां देके रखा है कि इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर एंड एम ए प्लस एन बी आपको देखे रखा है पी ए प्लस क्यू बी, तो यहाँ एम जो है वो पी के इक्वल होगा, एन जो है वो क्यू के इक्वल होगा। वैसे ही आप यहाँ पर किसी भी दो
जो आपको वेक्टर देके रखे हैं, दे आर नॉट कॉलिनियर, और इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। आपने ऐसा हमारे लीनियर इक्वेशन में भी देखा है कि आप यहाँ पर जो वैल्यूज है, यहाँ देखो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, या ऐसा आपने हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के जो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा था, जिसमें ए बी की वैल्यू निकालते थे, तो वैसे कंपेरिजन करके इसको निकालना है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, को प्लानर वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है को प्लानर, क्या होता है? तो को प्लेनर को समझ लीजिए। को प्लेनर वैक्टर क्या होते हैं कि टू और मोर वेक्टर्स आर कोप्लेनर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर कोप्लेनर है इफ दे लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर है। जैसे मेरे पास में ये पेन है, ये पेन है, ये बहुत सारे, ये देखो ये पेंसिल है, ये सब अलग अलग वेक्टर्स हैं, और ये सब अलग अलग वेक्टर्स अगर एक ही जगह पर है ना, ये साइड जा रहा है, 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 ठीक है, दे ऑल आर इन द सेम प्लेन, तो इनको कहेंगे कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर ही कहे जाएंगे क्योंकि ये एक ही प्लेन के अंदर है। ठीक है, यहां क्या बोल के रखा है कि ए एंड बी आर कोप्लेनर। देखो यहां पर ए दे के रखा है, ये ए है, ओके, ये बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये कोप्लेनर है। ए एंड सी आर कोप्लेनर, ये ए है, और ये लेट से कि ये सी है, तो ये यहां पर कोप्लेनर है दोनों के दोनों। ठीक है, एक मिनट रुको यार, इस पे इस तरह का लगा है। आर वेक्टर ए एंड ई आर कोप्लेनर, देखो एक प्लेन ये ई है और एक प्लेन ये है ए, ए आपकी बुक में ये वाला वेक्टर ए देके रखा है, ये वाला वेक्टर ई देके रखा है, तो यार ये अलग अलग प्लेन में, देखो ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है, और ये अकेला एक प्लेन में है ना। मतलब आपको इसको थोड़ा समझना है ना, तो देखो मेरी पीछे की दीवार पर दो वेक्टर है और बाजू की दीवार पर दो वेक्टर है ना। अगर मेरे पीछे की दीवार पर दो वेक्टर है और पड़ोस की दीवार पर दो वेक्टर है, तो वो कोप्लेनर नहीं होंगे, लेकिन मेरे पीछे की दीवार पर जो दोनों वेक्टर है वो दोनों के दोनों कोप्लेनर वेक्टर होंगे, और जो मेरे पड़ोस की दीवार पर दो वेक्टर है वो भी कोप्लेनर वेक्टर होंगे, बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको ऐसा समझ सकते हो आप, है ना, दीवार के ऊपर दो लाइन खींच लो, ठीक, समझने के लिए ना, फॉर द एग्जाम्पल ओनली। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें आगे इसमें क्या देके रखा है, अगले स्लाइड में आपको देखने मिलेगा, इसमें रिमार्क में देके रखा है कि एनी टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस ओ ए एंड ओ बी इन द स्पेस डिटरमाइन अ प्लेन, ओके, वी मे चूज फॉर द कन्वीनियंट द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द प्लेन सो दैट ओ इज द ओरिजिन एंड एक्सिस ओ एक्स इज अलॉन्ग वन ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, आइए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला जो थ्योरम है वो करते हैं, क्या देके रखा है, लेट ए एंड बी बी नॉन कॉलिनियर वेक्टर, अ वेक्टर आर इज कोप्लानर विथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक स्केलर टी वन टी टू सच दैट आर वेक्टर की इक्वल होगा टी वन ए प्लस टी टू बी के। अब यार इसको समझना है ना, तो ये बहुत ध्यान से समझने वाला है कुछ नहीं, आपने यहां पर एक वेक्टर बना लेना है। ठीक है, आपने एक वेक्टर यहां बना लिया, लेट से वेक्टर ए है, ठीक है ना, और एक वेक्टर आपको इधर बना लेना है, ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, यहां पर एक तीसरा वेक्टर मैं ले लेता हूं, इसी के अंदर ये वेक्टर को मैं आर ले लेता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, इसको वेक्टर आर ले लेते हैं। ठीक है, इसको वेक्टर आर ले लो। अच्छा, अब क्या करते हैं, पूरा भले ये ए है, मैं इसका कुछ छोटा सा पार्ट लेता हूं, इसका भी और इसका भी, दोनों का छोटा सा पार्ट लेता हूं, और मैं यहां पर डॉटेड लाइन लगा देता हूं इस तरह से। एक मिनट रुकना, मैं इसके लिए डॉटेड लाइन लगा देता हूं, एक मिनट रुकना, ये जो मैंने बना के रखा है ना, इसके लिए मैं, ये वेक्टर आर है और इसके लिए मैं डॉटेड लाइन यहां से इसके पैरेलल बना लेता हूं, इसके पैरेलल, और एक पैरेलल में इसके बना लेता हूं। ठीक है, अब ये जो है, लेट से ये अगर आर है, ये पूरा ए है, ये पूरा का पूरा ओ ए है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ओ बी है, ये पूरा का पूरा ओ पी है। ठीक है, तो मैंने इसके छोटे छोटे पार्ट ले लिए, अब मगर मैं इसका पार्ट लेता हूं, तो लेट से कि मैंने सिर्फ टी वन पार्ट लिया है और मैंने इसका भी टी टू पार्ट लिया है। अब अगर मुझे आर को निकालने को कहा जाए, तो आर किसके इक्वल होगा, है ना, अगर ये टी वन टी टू पार्ट नहीं होता तो आर किसके इक्वल होता, आर इक्वल होता ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, लेकिन मैंने इसका टी वन पार्ट ले लिया और इसका टी टू पार्ट ले लिया, मतलब इसका कुछ छोटा सा पार्ट लिया, पूरा नहीं लिया, तो ये पैरेललोग्राम लॉ से यहाँ क्या होगा, टी वन लग जाएगा, टी टू लग जाएगा, और आएगा क्या, ये जो आएगा ना भैया, हमको ये तो प्रूफ करना है कि आर इज इक्वल टू, आर वेक्टर इज इक्वल टू टी वन ए वेक्टर प्लस टी टू ए वेक्टर, ये वही है, ये डायग्राम के ऊपर ही खत्म हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो बुक में थ्योरी देख रखी है उसके हिसाब से, कि भैया ये पार्ट जो है ना, समझ लो जरा कि ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हमको बता रहा है कि ये ए वेक्टर का पार्ट है, तो हमने इतना पार्ट ले लिया, ये बी का पार्ट है, तो मैंने इसको टी टू ले लिया, टी टू बी ले लिया, है ना, छोटा सा, अभी 10 हो तो 10 की नहीं लेके 2 ले लिया,
10 हो तो 10 ले लेके 3 ले लें, ऐसे T1 T2, ठीक है? तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब मैं काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ और जो बुक में जो हमको प्रूफ देके रखा ना मैं उसको दिखाता हूँ। क्या देके रखा है बुक में? बुक में ये डायग्राम हो गया, देखो वेक्टर ए हो गया, ये वाला पार्ट T1 है, ये वाला पार्ट T2 भी, ठीक है ना? और यहाँ हमको इफ पार्ट दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ इफ एंड ओनली इफ अगेन लगा है ना। यहाँ क्या देके रखा है? एंड इफ एंड ओनली इफ, ये जो कंडीशन हमको देके रखी है इफ एंड ओनली इफ। तो यहाँ पर ओनली इफ पार्ट को प्रूफ किया गया कि ए है, ए इज को प्लानर विद वेक्टर ए एंड बी, ये दोनों तीनों के तीनों एक ही इसमें है। मतलब कैसे होगा ये तीनों के तीनों ऐसे हो गए ना कि एक ही इसमें अंदर है, तो ये भी इधर है ना, ये एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में, ठीक है? ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में, तो को प्लेनर हो गए, ठीक है? ये को प्लेनर वैक्टर हो गए तीनों के तीनों। कौन कौन? वैक्टर आर इज को प्लेनर विद वैक्टर ए एंड वैक्टर बी टू शो दैट देयर एग्जिस्ट द यूनिक स्केलर T1 T2, ओके? एंड दे आर R वेक्टर इज इक्वल टू T1 A वेक्टर प्लस T2 B वेक्टर। तो ये क्या बोल रहा है? लेट A बिलोंग्स टू OA एंड B बिलोंग्स टू OB। देखो A जो है ये वेक्टर, A जो है ये इसको बिलोंग करता है लेकिन ये इसका T1 A है, और ये पूरा का पूरा ये B वेक्टर है लेकिन इसका ये पार्ट T2 है। गिवन दैट R वेक्टर विद द इनिशियल है ना, विद द इनिशियल पॉइंट O, यहीं से शुरू हुआ है, OP देके रखा है वेक्टर R। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ओबी, देखो ओबी के पैरेलल एक यहां पर लाइन खींची, ओबी के पैरेलल यहां पर लाइन खींच ली गई है ये वाली लाइन, और ओए के पैरेलल भी लाइन खींची है एनपी, है ना? ये क्या बोलता है? ड्रॉ अ लाइन पैरेलल ओबी मीटिंग ओए इन एम एंड पैरेलल टू लाइन ओए मीटिंग ओबी इन एन, ठीक है? इस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन बता के रखा है। आगे आते हैं, देन ओएन, ओएन क्या होगा? ये वाला पार्ट, ओएन क्या होगा? ये वाला पार्ट होगा दिस वन विच इज इक्वल टू T2 B के। OM, देखो ON T2 B के इक्वल होगा और ON T1 B T1 A के इक्वल होगा। मैं दोनों को प्लस कर दे रहा हूँ, T1 T2 क्या रियल नंबर्स है, ठीक है? बाय द ट्राइंगल लॉ, आप यहाँ ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं ये पार्ट। अब यार ये इसके पैरेलल होता है, ट्राइंगल लॉ से आप लिख सकते हैं कि R वेक्टर जो होगा ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। देखो मैंने आपको पढ़ाते समय क्या बोला था कि ये दोनों के दोनों लॉ देखा जाए तो सेम ही है ना? मैंने देखो मैंने आपको एक्सप्लेन करते समय बोला था। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यार सर आप कभी ट्राइंगल लॉ बोलते हैं, अरे ये तो आपके ऊपर है, आप इसको पैरेललोग्राम लॉ भी बोल सकते हो, ट्राइंगल भी बोल सकते हो। मैंने पैरेललोग्राम क्यों कहा? कि ये इसके पैरेलल आ रहा है, ये इसके पैरेलल आ रहा है। आप यहाँ ट्राइंगल लॉ भी लगा सकते हो, अगर आपकी ये वैल्यू को आप यहाँ लिख दो तो ट्राइंगल लॉ लग जाएगा। तो देखा जाए तो दोनों के दोनों सेम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हमको मिल गया? आर वेक्टर इज इक्वल टू T1 A वेक्टर प्लस T2 B वेक्टर, ठीक है? अब इसमें आगे आते हैं, आगे यहां पर इसका एक और पार्ट देख रखा है, इफ पार्ट प्रूफ करके रखा। देखो पहला वाला पार्ट इसे जो प्रूफ किया ओनली इफ पार्ट, और यहां पर जो है इफ पार्ट है, इफ पार्ट में उल्टा चलेंगे, ये पार्ट लेके चलेंगे कि आर जो है T1 A वेक्टर प्लस T2 B वेक्टर के है, तो वी हैव टू शो दैट R A एंड B आर को प्लानर। आपको ही को प्लानर बताना है, तो आपको तो ये बताइए कि ए और बी जो है को प्लेनर है, को प्लानर बोलो मैं, प्लेनर है, ध्यान रखिए, ए और बी को प्लेनर है और T1 A T2 B दे आर ऑल्सो को प्लेनर है, ठीक है? और अगर ये दोनों कोप्लेनर है तो मैं इनको प्लस करूंगा तो इनका रिजल्टिंग जो बनेगा वो भी तो कोप्लेनर ही बनेगा। तो T1 A प्लस T2 B A एंड B आर कोप्लेनर, और T1 A प्लस T2 B किसके इक्वल है? वो T1 A प्लस T2 B तो भैया R के इक्वल है। तो ये आपस में क्या होगा? ये सारे के सारे कोप्लेनर ही होंगे ना। तो ये समझने वाली बातें हैं, ठीक है? मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको नहीं भी क्लियर हुआ है तो मैं आपको एक प्लेन स्क्रीन पर इसको उल्टी तरह से बता देता हूँ। यहाँ पर एक तो मैंने आपको अभी ये T1 T2 वाला बताया, ये जिस तरह से ये वाला रूल लगाया, या मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका क्या है, हालांकि मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर यूनिकनेस की भी बात है। अब आप ये यूनिकनेस क्यों यहाँ पर प्रूफ किया गया? क्योंकि देखिए यहाँ पर इससे क्या रख के रखा है कि देयर एग्जिस्ट ए यूनिक स्केलर। मतलब पहले हमने इसके ओनली पार्ट को प्रूफ किया, हमने इसके ओनली पार्ट को प्रूफ किया, फिर हमने इसके इफ पार्ट को प्रूफ किया, फिर हमने इफ पार्ट को प्रूफ किया। अब यहाँ पर जो यूनिक दे के रखा है यूनिक स्केलर, अब हम इसके इस पार्ट को प्रूफ करेंगे और वो होगा यूनिकनेस इसका आएगा। तो यूनिकनेस में क्या दे के रखा है उसको भी समझ लेते हैं। वो होगा जी यूनिकनेस में कि आर हमको दे के रखा है कि आर क्या है, हमें ये पता है कि वैक्टर आर जो है वो T1 A वैक्टर के, देखिए वो क्या है, T1 A वेक्टर प्लस T2 A वेक्टर के सम के इक्वल है, T2 B वेक्टर के, ठीक है? ये हमको दे के रखा है। अब मैंने क्या किया कि काम करते हैं यार, यूनिकनेस है मतलब T1 T2 यूनिक है, T1 T2 यूनिक मतलब उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। T1 T2 यहां पर जब यूनिक बोले हैं तो इनकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है।
अब हमने क्या किया कि हमने इसको ऐसा ले लिया। अब हम एक काम करते हैं कि वेक्टर आर को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो यार कि वेक्टर आर जो होगा वो वेक्टर आर जो होगा वो एस वन ए वैक्टर और एस टू ए बी वैक्टर के इक्वल आ जाए। अब अगर ऐसा आ गया है तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, इसको समझने के लिए मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ एक लाइन खींचता हूँ और पहले में से दूसरे को मैं सबट्रैक्ट मार देता हूँ, पहले में से दूसरे को मैं सबट्रैक्ट मारता हूँ, तो माइनस माइनस और माइनस ये कट गया जी, यहाँ आ गया जीरो वैक्टर, ये क्या आ गया टी वन माइनस एस वन वैक्टर ए प्लस टी टू माइनस एस टू वैक्टर बी। ठीक है, ये होने के बाद अब मैं क्या क्या करूंगा, एक मिनट रुकिए, ये होने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर ये जो जीरो वेक्टर दे के रखा है, ये जीरो वेक्टर है ना, तो जीरो वेक्टर के लिए तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहां पर जीरो वेक्टर को मैं लिख सकता हूं जीरो ए प्लस जीरो बी इज इक्वल टू टी वन माइनस एस वन वेक्टर ए प्लस टी टू माइनस एस टू वेक्टर बी। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, अब देखो यहां पर जो है ये वाला पार्ट जीरो के इक्वल आ जाएगा, मतलब टी वन माइनस एस वन जीरो के इक्वल आया तो T1 आपका S1 के इक्वल हो गया, और अगर मैं ये वाला पार्ट जो है T2 माइनस S2 इसको जीरो के इक्वल लेता हूँ तो T2 आपका S2 के इक्वल आ गया, तो अल्टीमेटली क्या हो गया ये T1 T2 ही आ गया ना वापस, तो ये यूनिक है, यही चीज यहाँ बताई गई है। ये जो मैंने यहाँ लिख के रखा ना बेटा, आप इसको मतलब मैं प्रूफ ऐसे ये थ्योरी बुक में ऐसा देके रखा है और मैंने समझाया आपको इस तरह से, तो आप अगर इसको इस तरह से कर लेते हो तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड पार्ट भी हो गया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आगे इसमें आते हैं, आगे आपको यहाँ पर रिमार्क देके रखा है और उसका एक्सप्लेनेशन भी देके रखा है, तो क्या है ये रिमार्क, तो रिमार्क में आगे देके रखा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, वेक्टर ए है वेक्टर बी है ना, मेरे पास और क्या क्या है, मेरे पास वेक्टर जो है ए वन है, ऐसे काम करो ए वन वेक्टर करो, ए टू वेक्टर करो, ए थ्री वेक्टर करो, ए फोर वेक्टर करो, ऐसे वेक्टर्स है, और मेरे पास में कुछ स्केलर भी है एम वन, फिर मेरे पास एम टू है, फिर एम थ्री है, फिर एम फोर है, तो मैं अगर इन सबको ऐड कर दूं ना तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर हो जाएगा। बात समझ लो, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस m3 a3 वेक्टर्स, ऐसा करते करते mn और an वेक्टर जो होगा ये सब क्या कहलाएगा, ये पूरा कहलाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन, ये कहलाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इसको ये कहा जाएगा। यहाँ वही देख रखा है कि a1 a2 a3 a1 a2 a3 an आर द n वेक्टर्स एंड m1 m2 m3 mn आर n स्केलर्स, है ना, तो इनका जो प्लस कर दिया आपने मल्टीप्लिकेशन करके स्केलर प्रोडक्ट करके इस कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर, और a1 a2 an यहाँ पर देख रखा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ये इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ये, ठीक है, a1 से लेके an तक का। इफ एटलीस्ट वन m1 इज नॉट जीरो देन अ लीनियर कॉम्बिनेशन इज नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, अगर कोई जो है कोई भी अगर जीरो नहीं है तो वो जो कॉम्बिनेशन होगा नॉन जीरो के इक्वल होगा। आगे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो वैक्टर्स है और एम एन एन दो वैक्टर्स है, तो अभी हमने लिखा कि एम ए प्लस एन बी, हमने इसको आर वैक्टर के इक्वल लिखा था तो इसको सी वैक्टर के इक्वल देखे रखा है, इस कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वैक्टर ए एन वैक्टर बी एंड ए बी सी आर को प्लेनर वैक्टर, यहाँ पर ए बी सी को प्लेनर हो गए। अभी हमने देखा ना कि यार ये जो है ये ए है, फिर हमने देखा कि ये जो है ये बी है, यहाँ पर ये जो बनेगा ये आर जो बनाया था हमने, तो हमने लिखा था ना आर किसके इक्वल था, आर हमने लिखा था ना कि टी वन ए वैक्टर प्लस टी टू बी वैक्टर के, अभी हमने जो थ्योरम प्रूफ किया ये वही तो है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीन शॉट ले लो, फिर मैं आपको अगले थ्योरम को समझा देता हूँ। अब यहाँ पर है जो अगला थ्योरम देके रखा है बेटा आपको, थ्योरम नंबर थ्री, और ये क्या देके रखा है, वेक्टर ए बी सी आर को प्लेनर। ओके, ए बी सी जो है वो को प्लेनर है, एक ही मतलब एक ही प्लेन के अंदर है, और यहाँ देके रखा है इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन, ये लीनियर कॉम्बिनेशन देके रखा है, जैसे अभी हमने ऊपर सीखा कि एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू प्लस एम थ्री ए थ्री सॉरी एम थ्री ए थ्री, तो ये इस तरह से एम एन ए एन ये जितने भी है ये क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है, तो यही चीज देखे रखिए कि ए बी सी आर द को प्लेनर। ओके, इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन जो है एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो विद द एक्स वाई जेड दे आर नॉट इक्वल टू जीरो दे आर नॉन जीरो। ठीक है, यहां पर वही चीज हमको प्रूफ करनी है। अब इसके अंदर क्या देखे रखा है, इफ पार्ट ओनली इफ पार्ट को प्रूफ किया है और यहां बता के रखा है कि अज्यूम दैट कि एबीसी जो है ना, एबीसी जो है कोप्लेनर है। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर है, तो केस वन, अब देखो
एबीसी कोप्लेनर वेक्टर है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि हर बार सबके सब कोप्लेनर होंगे, हो सकता है कि दो वेक्टर कोप्लेनर हो जाए, फिर हो सकता है कोई ये न हो, तो अलग अलग केसेस देख रखे। केस वन क्या देता है कि सपोज एनी टू वेक्टर ए बी सी आर कोलिनियर वेक्टर से ए बी, मतलब यहां बता के रखा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ना ये दोनों कोलिनियर है, ठीक है। अब अगर ये कोलिनियर देख रखे तो देयर एग्जिस्ट एक्स वाई, दो स्केलर होंगे एक्स वाई और वो इस फॉर्म में होगा। अगर ये कोलिनियर है तो एक्स वाई दो स्केलर होंगे और हम इसको लिखेंगे कि एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर, ठीक है, ऐसे हम इसको लिख पाएंगे। अब यहां सी है क्या, यहां सी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स ए वेक्टर वाई बी वेक्टर प्लस जीरो सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो यहां हो जाएगा एक्स वाई जीरो इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर द गिवन दिस। इसके लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, ये पहली कंडीशन आपने यहां पर प्रूफ करके रखी है, ठीक है। अब इसकी दूसरी कंडीशन में हम आते हैं, दूसरी कंडीशन क्या बोलता है, इसकी पहली कंडीशन होगी कि भैया एक्स जो है मतलब पहला वाला जो स्केलर है वो एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जेड है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं इसके अगले वाले पार्ट को करते हैं, इफ एंड ओनली इफ एंड, तो ओनली पार्ट हो गया इसके अंदर, ओनली इफ पार्ट हो गया, अब इसका अगला वाला पार्ट करते हैं, दैट इज द इफ पार्ट, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं और आगे बढ़ जाता हूं, अगली स्लाइड के ऊपर लेके जाता हूं आपको, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। हाँ, सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यहां क्या लेके रखा है, केस टू, केस टू क्या बोलता है, पहला केस क्या था कि दोनों के दोनों हमने क्या लेके रखे थे कि दोनों के दोनों हम बोल रहे थे कि कोई दो इसमें से कोलिनियर है। अब यहां नो टू ए बी सी आर कोलिनियर, कोई भी कोलिनियर नहीं है, ठीक है, यह कंडीशन है। तो सी इज को प्लानर विथ ए एन बी, ठीक है, सी क्या है, एस सी इज द को प्लानर विथ ए एन बी, यहां ये जो बोल के रखा है कि नो टू वेक्टर्स ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। अब यहां पर बता के रखा है को प्लानर है, सी इज को प्लानर विथ ए एन बी, तो वी हैव अ स्केलर एक्स वाई सच दैट सी के इक्वल आएगा दैट इज एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी अकॉर्डिंग टू थ्योरम टू। और अब मैं इसके साथ में सी को जो है सी मैं यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, मतलब अगर आप ऐसे लिखते हैं कि एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो मैं इसको इधर ला सकता हूं कि एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। और अब मेरे यहां पर सॉल्यूशन क्या होगा, तो एक्स पहला सॉल्यूशन यहां एक्स है, यहां वाई है और यहां माइनस वन है, तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। देखिए दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर द गिवन दिस कंडीशन, ठीक है ना, आपको इस तरह से रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, ये कई बार पूछा भी गया एग्जाम में, ठीक है, थोड़ा ध्यान से कर लो उसको, ठीक, ये केस टू हो गया, ठीक, लिख लिख के देखोगे ना, लिख के देखोगे समझ में आएगा, और मैंने जिस तरह से आपको बताया स्टेप बाय स्टेप तो वो भी आएगा। हालांकि मैं स्क्रीन पे इसीलिए करवा रहा हूँ कि आपको बुक का भी पार्ट दिखे, तो बाद में भी आप उठा के देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आइए अब इसका अगला वाला पार्ट करते हैं, इफ पार्ट, क्या बोल के रखा, कन्वर्सली, अब हमको यहां पर जो देख के रखा था कि भैया एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, एक काम करते हैं मैं इस पार्ट को ही रहने देता हूं। आपको याद है हमने पिछले वाले में किया था जहां पर हमने एम ए प्लस एन बी किया था और जो हमने ऐसा लिखा था कि एम प्लस ए एन वेक्टर बी, फिर हमने इस पार्ट को इधर कर दिया था कि एम वेक्टर ए और ये माइनस एन बी करके एम को इसके अपॉन में दे दिया था, राइट है, ये पहले वाले इसमें हमने किया ना, ये बिल्कुल वैसे ही यहां पर ही करना है, क्या करना है, जेड वाले को ही रहने दो, है ना, और इस पूरे पार्ट को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ए वेक्टर माइनस वाई बी वेक्टर और जेड को इसके अपॉन में लगा दो, तो माइनस एक्स अपॉन जेड ए वेक्टर माइनस वाई अपॉन जेड माइनस वाई अपॉन जेड वेक्टर नहीं है ये, ठीक है, ये वेक्टर नहीं है, ये बी वेक्टर ऐसा, और यहां लिख दो कि जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो नहीं ले सकते, बस ऐसा आपने लिख दिया कि फिर आप यहां बता सकते हैं कि सी इज अ कोप्लेनर विद द ए एन बी एंड ए बी सी आर द कोप्लेनर वेक्टर, आपको यहां पर कोप्लेनर वेक्टर दिखाना था, ठीक है। यहां पर क्या था कि पहले मतलब पहले ये था कोप्लेनर वेक्टर दिखा के आपने इसको इस साइड लेके गए थे, अब ये इसको इस साइड से आपने प्रूफ किया है, ठीक है। अब आते हैं कोरोलरी में, इसके कोरोलरी देख के रखे है ना, और ये बस आपको समझ लेना है कि इसका अर्थ क्या है, बाकी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। कि इफ थ्री वेक्टर्स आर ए बी सी आर नॉट कोप्लेनर, ये कोप्लेनर नहीं है, तो ये कंडीशन अगर देके रखी है तो देन एक्स जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो जेड इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज यहाँ इफ ये जीरो के नॉट इक्वल आएंगे, देन ये अगर जीरो के इक्वल नहीं आएंगे देन ए बी सी विल बी कोप्लेनर। अब स्टेटमेंट्स है इनको समझ लीजिए बस, और कुछ नहीं बेटा। कोरोलरी टू में देखे रखा है कि ए एंड बी यहाँ पर दो वेक्टर देके रखे हैं, तो ये तो हम इसको ऐसे लिखते ही हैं कि एक स्केलर्स के साथ ले लिए एक्स एक्स एक्चुअली ए वेक्टर प्लस वाई वेक्टर बी, ओके दे आर को प्लानर फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, हमने ये ऊपर भी करके बताया था कि वो को प्लानर होते हैं, ठीक है। चलिए
मैं इसमें बात को आगे लेके चलता हूँ, आगे की जो थ्योरी उसको भी समझ लीजिए। देखो भाई, इसमें कुछ थ्योरम ऐसे हैं ना कि जो आपको लगेगा कि अरे यार क्या है। मैंने हालांकि अभी आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, इनको और मैं एक बार डिटेल में आपके लिए वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। वेक्टर इन द टू डायमेंशन, टू डायमेंशन में बात करते हैं। टू डायमेंशन मतलब क्या है, हमने टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की थी, जहाँ हम क्या करते थे, हम यहाँ पर इस तरह से हमने बता दिया था कि भैया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये पहले पार्ट के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट आई पार्ट लेकर रखा है। देखो इसके ऊपर ना आई होता है, इसके ऊपर आप आई लेते हो, ठीक है, इसके ऊपर आप जे लेते हो। कितने जे आएंगे, एक आए, दो आए, तीन आए, चार आए, पांच आए, छह आए। यहाँ पर एक जे, दो जे, तीन जे, चार जे, पांच जे। तो टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन की बात होती है। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको ना ये पार्ट हटा देता हूँ और मैं आपको दोनों पार्ट यहाँ पर बता देता हूँ, फिर बाद में आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो ये जो पार्ट है ना, ये मैंने एक एक्सिस ले ली, ये दूसरी एक्सिस ले ली। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो हम लिखते हैं ना, यहाँ पर जो एक दो तीन हम देंगे, तो ये आई यहाँ पर आई कैप में चलेगा। ये इसके एक एक पार्ट है, ये इसके यूनिट पार्ट है। एक 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 आए, दूसरा आए, तीसरा आए, यहाँ पर ये चलता है जे वाले पार्ट में, ठीक है, ये जे कैप में इसको हम लिखते हैं। और ये अगर ये क्या हो गया, टू डायमेंशन हो गया, ये क्या हो गया, ये टू डायमेंशन में हो गया। टू डायमेंशन मतलब टू डायमेंशन ज्योमेट्री बोलते हैं, या क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री जिसके अंदर हम इसको करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, थ्री डायमेंशनल में भी आएगा, और थ्री डायमेंशन में क्या आएगा, थ्री डी वाला, ये टू डी वाला डायमेंशन टू डी में आएगा। थ्री वाले में क्या आएगा कि एक आपका एक्सिस एक्स एक्सिस ऐसा आएगा, फिर एक एक्सिस आपका, एक मिनट रुकिए, फिर आपका एक एक्सिस ऐसा आएगा और आपका एक एक्सिस ऐसा आएगा। अब इन सब की बात क्या होगी कि ये सब के सब ना एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। अब लोग सर तो दिख नहीं रहा, एक बात बताओ आपको, आपका जो रूम है ना, आपका जो रूम है, जो रूम में आप बैठे हैं, इस तरह के रूम में, तो इस रूम के ना आप जो कॉर्नर्स है ना उनको उठा के अगर देखते हो ना, तो आपको हर कॉर्नर में देखिएगा कि तीन लाइन आके एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो रही है। ये जो इधर वाली लाइन हमारे रूम की जा रही है वो भी परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन पे, और ऊपर वाली लाइन पे भी परपेंडिकुलर है। तो ये थ्री डायमेंशन ही है, एक्स इसको लो, वाई इसको लो, जेड इसको लो। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं कि आपको इसको यहाँ एक्स लेना, वाई लेना, जेड लेना, आप किसी को भी एक्स वाई जेड लो, ठीक है, पर मैं अपनी समझ के लिए इसको एक्स लूंगा, इसको वाई लूंगा और यहाँ पर जेड लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इन दोनों को एक्स वाई लेते थे, अब इसको जेड लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम चलते हैं तो ये आई कैप चलता है, यहाँ पर आई वैक्टर को यूज करते हैं, जो आई कैप मतलब यूनिट वैक्टर की बात हो रही है। फिर यहाँ पर हम जे को यूज करते हैं और यहाँ पर हम के को यूज करते हैं, ठीक है। यही थ्योरी आपको मैं बुक की जो देखे रखी वो बताता हूँ, ठीक है। तो आइए आप समझते हैं वेक्टर इन टू डायमेंशन। मैंने अभी आपको वेक्टर इन टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन बताया, अब जो हमारी बुक में देखे रखा है उसको समझ लेते हैं कि यहां बता के रखा है द प्लेन, ओके, कवर्ड बाय या स्पान बाय नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ए एंड बी। ओके, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ए और बी में आप यहां देख सकते हैं कि एक वेक्टर आपका यहां चलेगा, वेक्टर ए यहां चलेगा, बी यहां चलेगा, या जिसको दे के रखा है एक्स ए प्लस वाई बी, मॉड्यूलस वैल्यू देख रखी, जहां एक्स वाई क्या है, एक्स वाई जो है वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। एंड ए एंड बी हैव द सेम इनिशियल पॉइंट, देखिए यहां से ये एक इनिशियल पॉइंट है, मतलब क्या है, यहां थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि यहां से एक वेक्टर निकला है, यहां से एक वेक्टर निकला है और ये एक्स एक्सिस है, यहां से एक वेक्टर निकला है और ये वाई एक्सिस है। अच्छा, इसमें बात ध्यान रखिए, जब भी आप इस तरह का टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल बनाएंगे तो आपको जो एक्स एक्सिस आप लेंगे, आप वाई एक्सिस लेंगे और आप जेड एक्सिस लेंगे, जो भी लेंगे ना, ये थ्री डायमेंशन में, तो आप जब इसके पॉइंट्स बनाएंगे 1 2 3 4, इधर बनाएंगे 1 2 3 4, इधर बनाएंगे 1 2 3 4, तो जब ये बनाएंगे आप, तो ये जो एक पार्ट है ना, ये एक पार्ट, ये वाला एक्स एक्सिस का एक पार्ट, ये कहलाएगा आई कैप, ये यूनिट वेक्टर आई होगा, ये एक्स एक्सिस पर आई चलेगा। वाई एक्सिस पर ऐसे ही जब आप आएंगे तो वाई एक्सिस का एक पार्ट जो होगा वो जे कैप, ओके, ये यूनिट वेक्टर जे होगा, है ना। और जेड एक्सिस पर जो एक पार्ट होगा वो के कैप से आप लिखेंगे, के यहां पर यूनिट वेक्टर होगा। वही चीज यहां बता के रखी, अभी तो मैं टू डायमेंशन बता रहा हूं, ये मैंने थ्री में बता दिया दोनों चीजें, मतलब दो यहां और ये तीसरा लग गया, तो थ्री डायमेंशन, ठीक है। अभी इसको समझना है तो सीधा सीधा जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम के एक्सिस को देख के आप एक्सिस बना सकते हैं, ठीक है। टू डी, दिस टू डी स्पेस वे जनरेटेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और इट्स बेसिक इज ए बी, मतलब अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट में लेता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स ए बी होंगे। ए बी मतलब क्या भाई, एक्स एक्सिस पर कितना है ये, एक्स एक्सिस पर कितना अगर देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस पर तीन है, वाई एक्सिस पर कितना है, परपेंडिकुलर डाल के चेक कर लो, वाई एक्सिस पर ये चार है, तो आपको थ्री एंड फोर, आप पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे,
थ्री और फोर लिखोगे, देखो यहां पर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या लिख के रखे, थ्री और फोर लिख के रखे। मैं लाइन टू लाइन इसलिए बता रहा हूं कि आपको सब बातें क्लियर हो जाए। यहां पर जो है अभी देखिए, सब इरेज कर देते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये एक आए, ये दो आए, ये तीन आए, तो ये पूरा क्या हो गया, ये थ्री आई कैप के इक्वल हो गया। आई कैप ऐसा इसको पढ़ते हैं ना, या आई हैट, ठीक है। ये क्या होता है, ये यूनिट फैक्टर होते हैं। देखिए आपको देखे रखा है कि हियर वी डिफाइन यूनिट फैक्टर आई कैप एंड जे कैप एज ओ एम जो है वो आई के इक्वल है, ये वाला ओ एम वाला जो पार्ट है वो आई कैप के इक्वल है, ओ एन वाला पार्ट जो है वो जे कैप के इक्वल है, ठीक है। तो आप जितने इसके पार्ट बनाओगे, जैसे आपने पॉइंट पी यहां ले लिया, अब अगर सपोज लेट से कि मैं एक दूसरा यहां पर एक टू डायमेंशनल शेप बनाता हूं, यहां पर मैं एक टू डायमेंशनल ये एक्सिस ले लेता हूं, ये एक्स एक्सिस ले लेता हूं, ये वाई एक्सिस ले लेता हूं यहां पर, ठीक है, ये वाई एक्सिस आ गई, और लेट्स से कि ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है और ये पांच है। मैंने क्या कहा आपको, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैं यहां पर एक पॉइंट अगर लेता हूं दैट इज पी, और इसके कोऑर्डिनेट है फाइव थ्री, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, फाइव थ्री है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होगा, फाइव थ्री मतलब ये एक्स एक्सिस पर फाइव को इंडिकेट कर रहा है। यहां पर जब आप इसको लिखोगे, जब आप ऐसे लिखोगे ओपी, तो ओपी क्या है, आप ओपी अगर लिखोगे तो आप यहां पर लिखोगे ओपी वेक्टर दैट इज फाइव आई कैप प्लस थ्री जे कैप, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा है ओपी वेक्टर, यहां पर क्या है, ओपी वेक्टर है यहां पर, देखो यहां से देखे, यहां से देखे तो ये थ्री पे आ रहा है, सॉरी हाथ मेरा तिरछा हो गया, ये बिल्कुल सीधे सीधे जाना चाहिए, ये तीन पे आया तो ये थ्री आई कैप हो गया, प्लस यहां से आया तो ये फोर जे कैप हो गया। तो ये वेक्टर को आप इस तरह से यहां पर डिफाइन कर सकते हैं, जो भी वेक्टर होगा उसको आप ऐसे लिखेंगे, मतलब जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट पी के कोऑर्डिनेट तीन चार है, लेकिन ओपी आपसे पूछे तो आप ओपी ऐसे लिखेंगे। एक काम करते हैं, हम कुछ ऐसे शेप बनाते हैं, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि कैसे ये होता है। अब देखिए मैंने यहां पर क्या करके रखा है, मैंने आपके लिए तीन शेप बना के रखे। मैं यहां पर ओ ले लेता हूं, ठीक है, मैं यहां पर ये एक्स एक्सिस ले लेता हूं, इसके मैं पार्ट्स कर लेता हूं चार, इसके भी मैं पार्ट्स कर लेता हूं जो भी है तीन, ठीक है, इसके भी मैं पार्ट्स करता हूं एक दो तीन चार पांच, इसके भी मैं पार्ट्स करता हूं एक दो तीन चार पांच, है ना, इसको जीरो ले लो, इसको एक्स एक्सिस ले लो, इसको वाई एक्सिस ले लो, उसको वाई एक्सिस ले लो, यहाँ जीरो ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो। ये मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूं कि आपको जो थोड़ा सा एक बार अगर क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। मैं यहां पर ले लेता हूं एक पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी फोर एंड थ्री, तो यहां पर आएगा ये पॉइंट, और मैं इस पॉइंट को जो इंडिकेट करता हूं ये पी है, इसके कोऑर्डिनेट फोर एंड थ्री है। मैंने आपको क्या बताया, अगर मैं इसके फोर पार्ट लेता हूं तो ये फोर आई कैप के इक्वल आएगा, अगर मैं इसके थ्री पार्ट लेता हूं, है ना, थोड़ा मेरा हाथ तिरछा हो रहा है इसके लिए थोड़ा समझ लेना भाई, ठीक है, ये थ्री कैप थ्री जे कैप होगा ये, ठीक है ना, यहां तक जाएगा, और ये जब मैं इसको ओपी वेक्टर को मैं ज्वाइन करूंगा यहां से यहां, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी, इसकी जो वैल्यू बनेगी, मैं क्या लिखूंगा यहां पर, ओपी वेक्टर जो मेरा बनेगा ना वो बनेगा फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप, ठीक है, ये मेरा ओपी वेक्टर हो गया। अगर मैं यहां पर कुछ ऐसे लेता हूं कि टू एंड फाइव, ये वाला कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, यहां मेरा आई चलेगा, आई कैप, यहां चलेगा जे कैप, ठीक है, तो ये फोर एंड फाइव, तो ये कोऑर्डिनेट अगर पी है तो मैं इसको लिखूंगा टू एंड फाइव, तो टू एंड फाइव अगर ऐसा है भाई तो यहां पर ओपी क्या होगा, यहां ओपी होगा टू आई कैप प्लस फाइव जे कैप। फिर आगे आते हैं यहां पर अगले वाले में, ठीक है, अगले वाले में आते हैं, यहां से मैं एक कोऑर्डिनेट ले लेता हूं दैट इज वन थ्री, ये वाला ले लेता हूं, इसको नामकरण कर दो, ये पी है, वन थ्री है, ये आई कैप चल रहा है इधर, और ये इधर जे कैप चल रहा है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, एक दो तीन और ये एक दो, तो जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो यहां पर मेरा ओपी जो होगा वेक्टर वो क्या होगा, आई वन है तो वन आई नहीं लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा आई कैप प्लस थ्री जे, थ्री जे कैप, ठीक है। तो ऐसे हम जो वेक्टर्स दिए होंगे हम उन वेक्टर्स को लिख लेंगे। ये क्या हो गया बेटा, ये टू डायमेंशन में हो गया, ये काय में हो गया, ये टू डायमेंशन में हो गया। अब मैं आपको थ्री डायमेंशन का सिर्फ इंट्रो बताता हूं और फिर मैं इस वीडियो में यहीं पर रुकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, अगले वाले में फिर हम थ्री डायमेंशन को करेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब बात करते हैं थ्री डायमेंशंस की। जी हाँ दोस्तों, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है इसको आपको समझना है। हालांकि थ्योरी तो आपके इसमें बहुत सारी देख रखी है, लेकिन मैं एक बहुत शॉर्ट वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये क्या है। देखिए सीधा सीधा क्या होगा, जब भी आप बनाओगे तो आप इस तरह से एक एक्स एक्सिस ले लोगे, ये जीरो ले लो, फिर यहां से परपेंडिकुलर लोगे, यहां से आप परपेंडिकुलर लोगे। एक मिनट रुकना भाई, थोड़ा मेरा हाथ सीधा चले। हाँ क्या हो गया यार, ये वाई एक्सिस चले और यहां से चले तो ये जेड एक्सिस चले। अब ये क्या है, तो ये एक तरह का ये जो है बॉक्स है, ये देखिए ये बिल्कुल मेरे पास ही मेरा जो फोन है उसका बॉक्स है। तो यहां पर जो है आपका ये वाला एक्स एक्सिस का काम कर रहा है, ये काम करते ये वाला आपका एक्स एक्सिस का काम कर रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है ना। ये जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। अच्छा ये तीनों के तीनों देखो, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इधर ये परपेंडिकुलर, इधर ये सब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एनी पॉइंट इन द प्लेन रिप्रेजेंटेड एज इन द ऑर्डर्ड पेयर ए बी। अब एक बात देखो, हम टू डायमेंशनल में क्या करते थे, हम टू डायमेंशनल में क्या करते थे कि हम एक पॉइंट लिखते थे टू थ्री, ये पॉइंट पी है। अभी हमने जो वेक्टर बताया वो भी ऐसी बताया, ठीक है ना, ये ओपी वेक्टर बताया, ये सपोज वन है, टू है, ये वन टू थ्री, अभी हमने बताया कि ये टू थ्री है। लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपने ले लिया और उसका नाम ले लिया टू थ्री फोर, तो भैया ये एक्स एक्सिस पे टू बताएगा, वाई एक्सिस पे थ्री बताएगा और जेड एक्सिस के ऊपर क्या बताएगा, फोर बताएगा। अब ये जो थ्री डायमेंशन वाला पार्ट है ना, ये हम अपने अगले पार्ट में, अगले वीडियो में बहुत डिटेल में समझने वाले, ठीक है। इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं, ऑलरेडी ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं इसको आपको अगले पार्ट में सिखाऊंगा। लेकिन एक शॉर्ट में आपको बता दूं कि एक्स एक्सिस पर यहां पर जो है ना, जैसे यहां पर हम एक्स एक्सिस पे चल रहे थे तो हमारा आई कैप यूनिट वेक्टर लेके चल रहे थे, वाई एक्सिस पर जे कैप लेके चल रहे थे और यहां पर हम के कैप लेके चलेंगे। तो आई जे के, ये तीन वेक्टर्स की यहां पर बात होगी, यूनिट वेक्टर्स की, मतलब हर पार्ट का एक यूनिट, मतलब एक एक भाग उसके लेके चलेंगे। तो ये जो डिटेल में जो दे के रखा है ना, ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे और उसमें बहुत सारा एनिमेशन भी मैं आपको बताने वाला हूं, आपको मजा आ जाएगा देख के, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखते रहे फोन वाई अकेडमी, धन्यवाद।